हेलो दोस्तों, टेक गुरु में आप सब लोगों का स्वागत है। आज देखते हैं कि एक गाड़ी आया है मारुति सुजुकी बेलेनो 2019 मॉडल, जिसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। आज देखेंगे वो गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन हो गया। क्लच को प्रेस करना पड़ेगा, क्लच को प्रेस किया और अभी दे रहे हैं, लेकिन क्रैंकिंग हो रहा है ठीक ठाक, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। दो तीन बार ट्राई कर लेते हैं, सेम ही है, क्रैंकिंग हो रहा है ठीक ठाक लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले गाड़ी का बोनेट खोल कर देख के क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, विजुअली देखेंगे पहले। तो आपका गाड़ी अचानक से रास्ते में ख़राब हो जाए या कहीं भी अचानक ख़राब हो जाए, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले बैटरी को चेक करना है। जो हमने बैटरी को चेक कर लिया, अभी 12 का बैटरी का 13 बोल्ट आ रहा है, तब तक बैटरी सही है। तो इसके बाद आपका फ्यूल लाइन चेक करना है, फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो मैंने चेक किया, जो आप लोगों को भी बताया चेक कैसे करते हैं, कि फ्यूल लाइन को खोल के तो एक बड़ी बोतल लगा के इग्निशन ऑन करने के बाद क्रैंकिंग करना है, तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो इस गाड़ी में नहीं आ रहा है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तेल नहीं आ रहा है। तेल नहीं आ रहा है मतलब अभी दो ही चीज़ बाकी है, एक हो गया हमारा फ्यूल पम्प रिले और एक है फ्यूल पम्प। सबसे पहले हम फ्यूल पम्प रिले चेक करेंगे, सब गाड़ी में रिले रहता है फ्यूल पम्प। बेलनो गाड़ी का फ्यूल पम्प रिले फ्यूज बॉक्स में रहता है, मेरा फ्यूज बॉक्स या खुल गया फ्यूज बॉक्स। फ्यूज पे एफ आई मेन देख लिखा रहेगा, एफ आई मेन जो कि गैसोलाइन का है, देख लेते उसको खोल के। उसको खोलने के लिए हम लोगों को इसको कई बार कहते हैं प्लायर चाहिए, तो हमने लिए एक प्लायर, तो उसको खोलते हैं तो अच्छे से खींच पकड़ने से खुल जाता है वो। हम लोगों का रिले खुल गया है तो उसको अच्छे जगह रखेंगे, इसको बिजली देखेंगे कि टूटा वूटा है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका है कि वो करें कोई एक रिले खोल के उस पर लगा देने का, कहाँ रिले मिलेगा अभी, तो इसलिए खोल कर लगा दिया है कंप्रेसर का रिले। फिर उसी रिले कंप्रेसर ऑन करके देख लेते हैं, देते सेम ही है, स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि फ्यूल पम्प रिले अच्छा था, वही फ्यूल पम्प भी बाकी है। क्योंकि कस्टमर का बोल रहा था कि गाड़ी गर्म होने के बाद स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट नहीं होता, ठंडा फिर ठंडा करके गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, तो उसका मतलब एक ही हो सकता है, अभी फ्यूल पम्प चेक करना है। तो अभी हम गाड़ी फ्यूल पम्प चेक करेंगे। तो फ्यूल पम्प हम लोगों ने खोल के एक नया फ्यूल पम्प लगाया है, तो इसलिए तो टाइम लगा है। तो देख लेते हैं क्या हुआ है, बाकी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। बस फाइनली फ्यूल पम्प लगा दिया है, अभी चेक करते हैं। इग्निशन ऑन किया दो तीन बार, फिर क्लच को पकड़ के स्टार्ट देते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गया है गाइस। तो अभी फ्यूल पम्प का ही प्रॉब्लम था, गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका गाड़ी कभी कभार रास्ते में खराब अचानक से स्टार्ट हो जाता है, फिर ठंडा करने के बाद ऑन होता है, तो इसका प्रॉब्लम वही है कि गाड़ी का फ्यूल पम्प ख़राब है। क्योंकि पहले ना गाड़ी में 19 मॉडल का गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम आया है जो फ्यूल पम्प ख़राब है। तो फ्यूल पम्प को कैसे चेक करते हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और एक वीडियो में कि कैसे उसको चेक किया जाता है कि फ्यूल पम्प, ये पहले ना गाड़ी का फ्यूल पम्प, उसको चेक करने का प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सो पूरा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।